हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 14 जून 2019 की प्रीलिम्स अपडेटर सीरीज में आपका स्वागत है। सबसे पहले देखते हैं आज की पहली न्यूज़। आज की जो पहली न्यूज़ आई है वो आई है प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में। तो क्या है इसके बारे में फैक्ट, वो फैक्ट हम एक बार यहाँ पे कवर है वो कर लेते हैं। देखो, प्रधानमंत्री जो जन विकास कार्यक्रम है ना, इसका मोटो ये है कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ है ना, उन एरियाज़ में सोशल इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर की फैसिलिटी हैं वो डेवलप करानी है। एक तो ये फैक्ट ध्यान में रखना है कि सोशल और इसके साथ इकोनॉमिक दोनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डेवलप किए जाएंगे ताकि माइनॉरिटी कम्युनिटी को आगे डेवलप है वो किया जा सके। और बेसिकली हम बात करें जो 14th फाइनेंस कमीशन था, जो कि आपको पता है कि 2020 तक अप्लाई एप्लीकेबल है वो रहेगा, मतलब 21 मार्च 2020 तक 14th फाइनेंस कमीशन है वो रहेगा, उस तक इसको इम्प्लीमेंट है वो यहाँ पे किया जाएगा। यानी कि जो रिमेनिंग टाइम पीरियड होगा 14th फाइनेंस कमीशन का, वहाँ तक इस स्कीम को या इस कार्यक्रम को इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। काम क्या है, मल्टी सेक्टरल डेवलपमेंट प्रोग्राम है वो स्टार्ट किए जाएंगे, रिस्ट्रक्चर किया जाएंगे उनको, और जो ऐसे एरिया है माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ के जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुआ है सोशल और इकोनॉमिक, उनको सुनिश्चित यहाँ पे किया जाएगा। तो यूपीएससी इसके बारे में पूछ सकती है कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के बारे में, तो हमें ये फैक्ट ध्यान में रखना है। हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल आया है वो आया है इम्यूनोथेरेपी के बारे में। तो क्या है इम्यूनोथेरेपी वो हम देख लेते हैं। तो थोड़ा बेसिक से हम समझने की कोशिश करते हैं। कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो मेनली दो तरीके से किया जाता है। जो पुराना तरीका है वो कहलाता है कीमोथेरेपी। देखो, नॉर्मली ऐसा नहीं कि केवल कीमोथेरेपी कैंसर के लिए यूज होती है, बट मोस्टली हम ऐसा कह सकते हैं कि कीमोथेरेपी का कैंसर में यूज है वो किया जाता है। तो पहले हम कीमोथेरेपी को समझेंगे, फिर हम इम्यूनोथेरेपी को समझेंगे। कीमोथेरेपी में क्या होता है कि जिस भी पेशेंट को कैंसर वगैरह हुआ हुआ है उसको ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि जो एरिया है जहाँ पे मतलब कैंसर का फैलाव है उसको कम किया जा सके, उसको ख़त्म किया जा सके, इसके लिए कीमोथेरेपी मेनली दी जाती है। मतलब इसमें मेनली ड्रग्स दिए जाते हैं ताकि कैंसर का ट्रीटमेंट है वो किया जा सके। इसके साथ जो सर्जरी और जो रेडिएशन थेरेपी होती है उसका क्या काम होता है, उसमें जो भी मतलब हिस्सा की स्क्रीन में गांठ बन जाती है कैंसर में, तो उस दौरान उसको हटाया जाता है या फिर जो डैमेज पार्ट है कैंसर सेल का उसको बाहर निकाल दिया जाता है। और कीमोथेरेपी है वो पूरी बॉडी पर भी की जा सकती है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं इम्यूनोथेरेपी। इम्यूनोथेरेपी है वो कीमोथेरेपी जैसी ही है, बट ये उससे बहुत डिफरेंट है और ये एक एडवांस वर्जन है एक तरीके से कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। देखो, इम्यूनोथेरेपी में क्या होता है, जैसा कि नाम से पता चल रहा है कि इम्यूनो मतलब कि बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसी को थेरेपी के तौर पर यूज है वो किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी में ये किया जाता है कि जो पेशेंट जिसके कैंसर है हुआ हुआ है उसको, उसका जो हम बात करें टी सेल्स, जो कि आपको पता है टी सेल्स हमने काफ़ी बार सुनी है जिनका मेनली कहाँ यूज होता है, टी सेल्स है वो इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग है वो करती हैं। तो होता क्या है कि इम्यूनोथेरेपी में जो टी सेल्स या हम बात करें कि बॉडी का इम्यून सिस्टम है इसको स्ट्रॉन्ग किया जाता है ताकि वो कैंसर से फाइट कर सके। तो इसके काफ़ी फायदे क्या होते हैं, एक तो देखो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। साइड इफेक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि यह तो बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है उसी को स्ट्रॉन्ग करता है। अगर बॉडी का इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा तो वो अपने आप ही कैंसर के जो सेल्स हैं या जो कैंसर के हम बात कर सकें कोशिका हो गई है उनको डिस्ट्रॉय या उनको ख़त्म है वो कर सकती हैं। तो इम्यूनोथेरेपी में बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग है वो किया जाता है। जो टी सेल्स हैं वो मेनली हम बात करें यहाँ पे थैमस जो ग्लैंड होती है जो कि गले के पास में पाई जाती है लंग्स के ऊपर के हिस्से में, वो बॉडी को काफ़ी अहम रोल यहाँ पे निभाती है। तो आपको ध्यान रखना कि टी सेल्स हैं उनका यूज़ कहाँ पे होता है, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए इम्यूनोथेरेपी के तौर पे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है पेडी फ्रॉग। देखो, रिसेंटली पेडी फ्रॉग की नई स्पीसीज है वो आइडेंटिफाई की गई है। कहाँ पे है ये आपको ध्यान में रखना है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में मेनली आसाम में ये वाइडली तौर पर पाया गया है। तो यूपीएससी डायरेक्टली फैक्ट पूछ सकती है पेडी फ्रॉग रिसेंटली कहाँ पे डिस्कवर किया गया है, तो हमें ध्यान में रखना है नॉर्थ ईस्ट। एक छोटा सा फैक्ट ये ध्यान रखना कि ऐसा नहीं है कि पेडी फ्रॉग की एकमात्र स्पीसीज है, इससे पहले भी पेडी फ्रॉग की कई स्पीसीज हैं वो इंडिया में पाई गई हैं, बट अभी नई स्पीसीज को डिस्कवर किया गया है जिसका नाम है यहाँ पे आईसानी। तो ये एक बार थोड़ा फैक्ट के तौर पर देख लेना, बाकी देखो ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट है नहीं क्या कौन सा जीन वगैरह है, ये हमारे लिए यूपीएससी नहीं पूछती। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है लीडर ऑफ राज्यसभा के बारे में। कंटेक्स्ट ये है कि अभी 1000 जो गहलोत हैं उनको बेसिकली लीडर ऑफ राज्यसभा के तौर पे अपॉइंट है वो किया गया है। तो देखो, जो लीडर ऑफ राज्यसभा है ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं इसके बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। जो लीडर ऑफ राज्यसभा है ना, ये अपॉइंट किए जाते हैं जो पार्टी रूलिंग गवर्नमेंट है, यानी कि जो पार्टी सत्ता में है ना वो अपने कैंडिडेट को, अपना जो मंत्री वगैरह होता है कोई, उसको बेसिकली लीडर ऑफ राज्यसभा के तौर पर अपॉइंट है वो करती है। ये फैक्ट ध्यान में रखना है, मतलब कि जो पार्टी सत्ता में होती है उसी का मेंबर या उसी का जो मंत्री वगैरह होता है उसी को लीडर ऑफ राज्यसभा के तौर पे अपॉइंट है वो किया जाता है।
अब बात आती है साथ साथ ही कि लीडर ऑफ लोकसभा, देखो लीडर ऑफ लोकसभा है वो नॉर्मली प्रधानमंत्री हैं, वो खुद ही होते हैं, बट ऐसा कहीं मेंशन नहीं कि केवल प्रधानमंत्री ही बन सकते हैं लीडर ऑफ लोकसभा, कोई और भी मेंबर है वो बन सकता है, बट डिपेंड करता है कि प्रधानमंत्री किसको बने। तो नॉर्मली ट्रेंड ये चला रहा है कि जो प्रधानमंत्री होते हैं वो लीडर ऑफ लोकसभा के तौर पे होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और आता है यहाँ पे, जो कई बार यूपीएससी पूछती है कि लीडर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा के बारे में कौन सी उसमें मेंशन है, कहाँ कहाँ पे वगैरह, तो नहीं भाई ऐसा कुछ नहीं है। जो लीडर ऑफ लोकसभा या राज्यसभा की बात है वो बेसिकली रूल ऑफ प्रोसीजर ऑफ लोकसभा और राज्यसभा, मतलब उनकी जो नियमावली है लोकसभा और राज्यसभा की, उनमें इसके बारे में उल्लेख किया गया है। तो ये फैक्ट हमें ध्यान में रखनी है। जैसा मैंने आपको बताया कि आमतौर पर लोकसभा के जो लीडर होते हैं वो प्रधानमंत्री खुद ही होते हैं। अब हम बात करें कि लीडर ऑफ जो राज्यसभा है लोकसभा है, इनका काम क्या होता है? इनका देखो मेनली काम ही होता है कि जो पार्लियामेंट्री फंक्शंस है ना उनको ढंग से इम्प्लीमेंट है वो किया जा सके, इसी के साथ ही पार्लियामेंट्री बिजनेस को आगे कंटिन्यू है वो किया जा सके, मतलब जो उसकी डेली कार्य प्रणाली है उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए इनका महत्वपूर्ण कॉन्ट्रीब्यूशन है वो होता है। देखो हमारे पास दो ऑप्शन है एक तो डिस्कशन करने की, एक तो हम इस तरीके से पैराग्राफ की फॉर्म में डिस्कस कर सकते हैं, एक जैसे देखो मैंने एक नोट्स बनाया था ऐसे कि हम केवल कीवर्ड के तौर पे डिस्कस कर सकते हैं ताकि पढ़ने में भी काफ़ी ईजीली हो और कम से कम हमें टाइम भी लगे और रिविजन करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है वो रहेंगे। तो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि कौन सा मेथड है वो सही रहेगा। जैसे देखो मैंने यहाँ पे बनाया था कि लीडर ऑफ राज्यसभा थावर चंद गहलोत, अपॉइंटमेंट कौन करता है, रूलिंग गवर्नमेंट, टर्म्स क्या होता है, लोकसभा और राज्यसभा की जो रूल ऑफ प्रोसीजर है उसमें इसके बारे में मेंशन है, और हम बात करें लोकसभा में तो वहाँ पे प्रधानमंत्री खुद होते हैं या फिर किसी को नॉमिनेट भी कर सकते हैं फिर ये फंक्शंस वगैरह। तो एक बार आप बता देना कमेंट बॉक्स में कि हम डिस्कशन को किस तरीके से चेंज है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा। देखो कैलाश मानसरोवर यात्रा है ना वो बेसिकली जो तीर्थ यात्री हैं, रिलीजियस तीर्थ यात्री हैं, उनके लिए इंपॉर्टेंस है। कौन कौन से धर्म से? हिंदू, जैनिज्म और बुद्धिस्ट। तो यूपीएससी पूछ सकते कि ओनली हिंदू धर्म वगैरह से, तो नहीं भी ऐसा नहीं है, हिंदू, जैन, बुद्धिज्म है, इनके लिए ये एक इंपॉर्टेंट तीर्थ यात्रा है। इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडियन गवर्नमेंट और इसी के साथ ही चाइना गवर्नमेंट है उसके कोलैबोरेशन के द्वारा, क्योंकि जैसा हम जानते हैं कि तिब्बत है वहाँ पे है बेसिकली कैलाश मानसरोवर, और इसीलिए तिब्बत किसका पार्ट है, ओबियसली चाइना का पार्ट है, और इसीलिए चाइना और इंडिया दोनों मिलके इसको मतलब और ऑर्गेनाइज है वो करते हैं। देखो जो मानसरोवर लेक है वहाँ पे यात्रा की जाती है, कैलाश पर्वत है वहाँ पे ही, और मानसरोवर लेक है वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक है। तो ये भी एक फैक्ट ज्योग्राफी का यहाँ पे बन जाता है। कितनी हाइट पे है? लगभग 4,558 मीटर, यानी कि लगभग 4.5 किलोमीटर ऊंची हाइट के ऊपर ये मानसरोवर लेक है वो बनी हुई है। इसी के साथ है कहाँ पे? ऑब्वियसली तिब्बत के जो ऑटोनोमस स्टेट है चाइना का, वहाँ पे ल्हासा से इतनी डिस्टेंस पे। ल्हासा कौन से धर्म से बिलोंग करता है आप ये बताइए, काफ़ी न्यूज़ में रहता है ल्हासा, आप बताइए कि कौन से धर्म से बिलोंग है, कहाँ पे, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट है। इसी के साथ ही जो राक्षस ताल है और जो नॉर्थ सॉरी माउंटेन क्लास है वो भी इसी के पास में स्थित है, तो लोकेशन भी हमें थोड़ा ध्यान रखना है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट एक यहाँ पे ये है, नाथुला पास। नाथुला पास है वो है कहाँ पे? ये बेसिकली सिक्किम है, मतलब इंडिया का जो सिक्किम स्टेट है उसको चाइना से कनेक्ट है वो करता है, हम बात करें तिब्बत से कनेक्ट है वो करता है। तो ध्यान रखना नाथुला पास है वो किस लिए इंपॉर्टेंट है, बेसिकली कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जो कि सिक्किम को तिब्बत से कनेक्ट है वो करता है। तो देखो ये थी आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।